लॉजिक्स वंस अगेन एंड सीएसआईआर सीरीज 2020। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है जेनेटिक्स से, ठीक है। और ये पेडिग्री एनालिसिस आज हम डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आता ही है यहाँ से एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का। तो क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं रह गए तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को कवर करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस, राइट। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो जो पेडिग्री होता है ना, पेडिग्री का मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है वंशावली, ठीक है। वंशावली मतलब आप बोल सकते हो इसका सिनोनिम अगर देखें तो एंसेस्ट्री, है ना, वंश, ठीक है। किस तरीके से किसी का वंश चला रहा है, राइट, है ना। फैमिली चार्ट बोल सकते हो, राइट, फैमिली ट्री बोल सकते हो। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है आपका विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण होता है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी किसी की फैमिली का हम विश्लेषण करते हैं, किसी की फैमिली चार्ट का हम स्टडी करते हैं कि उनकी फैमिली में किस टाइप के कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं या डिसीज ट्रांसमिट हो रहा है। मेनली हम जो जेनेटिक्स में पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस, वो रिलेट करते हैं डिसीज ट्रांसमिशन से, है ना। तो आपने सीएसआईआर में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, है ना, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। और आपको बताना होता है कि ये डिसीज किस टाइप की है, ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है या सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पेडिग्री एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। और शुरू करने से पहले कुछ सिंबल्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंबल्स के बारे में बताता हूँ। तो अगर आपके पास सिंबल इस तरीके का है स्क्वायर, तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका मेल को। अगर सर्कल है तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका फीमेल को, राइट। उसके बाद तो ये अगर आपका नॉर्मल स्क्वायर मतलब ब्लैंक स्क्वायर और ब्लैंक सर्कल होगा, तो ये जो आपके मेल और फीमेल हैं ये होंगे आपके अनअफेक्टेड, मतलब ये बोल सकते हो नॉर्मल, ठीक है, मतलब इनको डिसीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फील्ड स्क्वायर होगा इस तरीके से, ठीक, तो ये होगा आपका डिसीज्ड मेल, ठीक। और अगर फील्ड सर्कल होगा इस तरीके का, तो वो आपका होगा डिसीज्ड फीमेल, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। उसके बाद अगर कुछ इस तरीके का अगर आपको कोई सिंबल दिखता है, या आपको यहाँ पर तो बिल्कुल ये फील्ड मिलेगा आपको अगर डिसीज्ड होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे एग्ज़ाम में आपको कुछ इस तरीके का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका होगा कैरियर, कैरियर फीमेल, मतलब इसका मतलब ये है कि इस फीमेल को डिसीज़ नहीं है, है ना, ये वैसे नॉर्मल है, नॉर्मल बट डिसीज कैरियर, ये डिसीज को कैरी कर रही है, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन में डिसीज को ट्रांसमिट कर सकती है, लेकिन खुद ये नॉर्मल है, समझ रहे हो। ऐसा तो आपको बताया जाएगा, सिंबल अगर आपको थोड़ा इससे कुछ अलग भी मिलता है तो आपको बताया जाएगा कि दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग द कैरियर फीमेल, राइट, ओके। इसके बाद एक दो, हाँ, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि मेटिंग, मेटिंग बिटवीन द कपल्स, ठीक है। और जो ये आपका वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन होता है रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है।
और हाँ एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ इस टाइप का मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ऑफस्प्रिंग है, दिस मेल सन, सन है ना, ये सन विद नॉर्मल पेरेंट्स है ना, सन भी नॉर्मल है और पेरेंट्स, और इस ये पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स विद नॉर्मल सन है ना, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होनी चाहिए राइट। अगर आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, जो सन है वो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, तो ये जो है, ये है आपका डिसीज्ड सन विद नॉर्मल पेरेंट पेरेंट्स। ठीक है, और ये जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल पेरेंट्स विद डिसीज्ड सन राइट। तो ये थे कुछ सिंबल्स, कुछ बेसिक्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे किसी भी पेडिग्री को समझने के लिए राइट। तो अब हम समझेंगे कि कितने टाइप के आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं राइट, है ना, और उनका पेडिग्री चार्ट कैसा कैसा आपका बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर्स की या जेनेटिक डिसीज की, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, तो वो आपका मेनली मेनली होता है दो तरीके का, देर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स राइट। फर्स्ट वन इज द ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, सेक्स लिंक को आप एक्स लिंक्ड भी बोलते हो है ना, एक्स लिंक्ड, या तो नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट। तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है वो फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक, एक तो होता है आपका एक्स लिंक्ड और आपका दूसरा होता है वाई लिंक्ड, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद जो आपका ऑटोसोमल होता है डिसऑर्डर, वो भी फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो एक तो होता है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर और दूसरा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑटोसोमल और सेक्स लिंग में डिफरेंस पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब जब हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल की, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो डिसीज से रिलेटेड जीन हैं वो प्रेजेंट हैं आपके ऑटोसोम्स पे। ठीक है, ऑटोसोम्स पे, ऑटोसोम का मतलब क्या होता है, जो आपके नॉर्मल क्रोमोसोम बोलते हो, नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम इन द सेंस दे आर नॉट सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, नॉट सेक्स लिंक्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम सेक्स लिंक्ड की बात करें, सेक्स लिंक्ड की बात करें, तो यहाँ पर आपका आ जाता है क्या, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, सेक्स्ड लिंक्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो कि आपके होते हैं या तो एक्स या वाई। ठीक है, तो अगर सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो वो जो डिसीज वाले जीन होंगे या तो एक्स पे होगा या वाई पे होगा। ठीक है, लेकिन जो ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास होते हैं कितने, 46 क्रोमोसोम होते हैं है ना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं आपको पता है, और ये 23 पेयर्स का होता है ना, तो इसमें से जो 22 होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं,
ठीक है, राइट। और जो एक पेयर होता है वो होता है आपका, वन पेयर जो होता है वो आपका होता है या तो एक्स एक्स या एक्स वाई, ठीक है। और यही डिटरमाइन करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा। तो अगर एक्स एक्स होगा ये पेयर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम का, तो वो फीमेल होगी, और अगर एक्स वाई होगा तो वो मेल होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से किसी भी पेयर पे, राइट, सेक्स लिंक पेयर क्रोमोसोम पेयर पे अगर डिसीज का जीन होगा तो वो सेक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। और अगर इन रेस्ट ऑफ द 22 क्रोमोसोम्स में से किसी पे भी डिसीज वाला जीन होगा तो वो आपका कहलाएगा ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, और वो फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो आई होप ये आपको एक जो फ्लो चार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा जेनेटिक डिसऑर्डर का। इसके बाद अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन चारों के बारे में, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर कोई आपके पास पेडिग्री दी हुई है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ऑटोसोमल है तो अगर उसमें डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो सबसे पहला जो है वो हम देखेंगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव को आइडेंटिफाई करने के क्या क्या मार्क्स हैं, ठीक है। कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो पेडिग्री है वो ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है। तो देखो इसके कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर रखने होंगे आपके माइंड में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव की, ठीक है। तो आपको आपको पता होगा, आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी, तो दो ट्रेट होते हैं, एक होता है डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रिसेसिव ट्रेट। तो जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट, और जो स्मॉल ए होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव को, है ना। तो यहाँ पर देखो आप, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक। तो देखो अगर ये वाली कंडीशन हुई, दोनों के दोनों कैपिटल हुए, तो यहाँ पर जो आपका इंडिविजुअल होगा वो होगा नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है डिसीज, ऑटोसोमल रिसेसिव। यहाँ पर रिसेसिव वाला जो एलील होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके डिसीज के लिए। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप नाम से अपना कंफ्यूजन क्लियर रखेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव की अगर बात हो रही है तो जो एलील रिसेसिव है स्मॉल ए, यहाँ पर इसका रोल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब दोनों कैपिटल होंगे तो वो होगा नॉर्मल, ठीक, समझ में आया। इसके बाद अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल हुआ तब भी जो इंडिविजुअल होगा वो होगा नॉर्मल। क्यों, आपको पता है, क्योंकि जो डोमिनेंट वाला होता है वो एक ही सिंगल एलील इज सफिशियंट टू डोमिनेट द रिसेसिव एलील। तो यहाँ पर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो रिसेसिव वाला जो एलील है वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा और जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल होगा, ठीक। लेकिन अगर दोनों के दोनों एलील रिसेसिव हो गए तब जो डिसीज है वो उसका फिनोटिप फिनोटाइप नज़र आएगा और जो इंडिविजुअल है वो डिसीज्ड होगा, डिसीज्ड इंडिविजुअल या अफेक्टेड होगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो कैसा होगा कैरेक्टर, कौन सा डिसीज होगा आपका, डिसीज होगा ऑटोसोमल रिसेसिव। नीचे समझ में आ गई, ओके। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो जो पहला पॉइंट है आपका कि द ट्रेट शुड स्किप जनरेशन, समझ रहे हो। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लो कि ये फर्स्ट जनरेशन है, मान लो, ठीक है, और इसमें मदर इज अफेक्टेड या मदर इज डिसीज्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके
सेकेंड जनरेशन में ये डिसीज़ ट्रांसमिट करे, समझ रहे हो, है ना? ज़रूरी नहीं है, बट जो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें वो डिसीज़ वापस ट्रांसमिट हो सकती है ना? तो इसमें जनरेशन स्किप कर सकता है ये, ठीक है? फर्स्ट जनरेशन में थी डिसीज़, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में वापस आ सकती है, तो यहाँ पे जनरेशन स्किप हो सकता है। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट विल हैव ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ अफेक्टेड मेल एंड फीमेल, ठीक है? तो क्योंकि ये सेक्स लिंक तो है नहीं, है ना, तो इसमें इक्वल चांसेस हैं कि मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी ये डिसीज हो सकता है ना? ठीक है, क्योंकि ये ऑटोजोम है, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ऑटोजोम्स पे है, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी डिसीज होने की, तो ये बात आप याद रखना, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इन अगर बोथ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, ठीक है, तो क्या होगा कि उनके जितने भी चिल्ड्रन हैं उन वो सबके सब अफेक्टेड हो सकते हैं। वो समझ लेते हैं कैसे, कि मान लो कि ये एक पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट है ये है पेरेंट, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि अगर बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड तो कंडीशन हमेशा ऐसी ही होगी, है ना? तभी तो पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे जब दोनों के दोनों रिसेसिव एलील होंगे, ठीक है? मान लो ये फादर है, राइट, एंड दिस इज मदर, तो मदर का भी यही कंडीशन होगा सेम, ठीक है? तो आप देखो कि इनके गैमेट्स कैसे होंगे, ए ए ए ए, आपको पता है ना गैमेट्स कैसे लिखते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। उसके बाद जो F1 प्रोजनी होगी उसमें देखो ए ए ए ए ए ए और स्मॉल ए, ठीक है? ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ठीक है? वैसे ही ये वाला और ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, तो चारों कॉम्बिनेशन जो आएंगे ये सब के सब ऑल ऑल आर अफेक्टेड, ठीक है? कब? जब बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑटोसोमल रिसेसिव में अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे, ठीक है, तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, सब अफेक्टेड होंगे, राइट? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको क्या ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये समझना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं, ठीक है? मतलब पेरेंट्स अनअफेक्टेड, ठीक है, बट चिल्ड्रन में भी अफेक्टेड, तो ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव में हो सकता है। और वो कैसे होगा तो देख लो, सिंपल है। पेरेंट देखो, यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस पेरेंट है, तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस पेरेंट है, ये जो डोमिनेंट एलील है इसकी वजह से ये पेरेंट नॉर्मल है, ठीक है? नॉर्मल है, दूसरा भी हेट्रोजाइगस पेरेंट है और ये नॉर्मल है। अगर ये वाला कंडीशन होता किसी भी पेरेंट का तो वो पेरेंट होता आपका अफेक्टेड, लेकिन यहाँ दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है? अब इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे तो देखो ए ए ए ए, ठीक है, राइट? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये गैमेट्स बन गए, अब इन गैमेट्स का आप क्रॉस करवाइए, तो ये वाला ए इस वाले ए के साथ आएगा, तो ए ए, ठीक?
फिर ये वाला ए इस वाले ए के साथ आएगा, ए और ए, फिर आपका ये ए और ये ए, ए ए और ये दोनों ए जब आएंगे, ए और ए, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये दोनों रिसेसिव हैं, है ना। तो दोनों रिसेसिव हो गए, तो ये कैसा हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर आ गया इसमें, तो ये हो गया आपका डिसीज्ड। तो देखो पेरेंट्स कैसे थे, अनअफेक्टेड, लेकिन वन ऑफ द चाइल्ड इज डिसीज्ड। तो ऐसा भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव में देखा जा सकता है कि चाइल्ड को तो होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके पेरेंट्स को डिसीज हो। ठीक है, समझ में आया आपको, है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखो। हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इफ एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अफेक्टेड, वो मैंने इस एग्जांपल में ही आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, इफ एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अफेक्टेड, देख रहे हो यहाँ पर वन चाइल्ड इज अफेक्टेड, इट इंडिकेट्स दैट द अनअफेक्टेड पेरेंट इज हेटरोजाइगस। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि वन ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड, तो वॉट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, तो वो कैसे होंगे, आपके होंगे कैसे, हेटरोजाइगस पेरेंट्स। ठीक है, उसी की वजह से आपका एक चाइल्ड डिसीज्ड है। तो ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम जल्दी से कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो है एग्जांपल वो ये है कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल हैं, नॉर्मल पेरेंट्स। ठीक है, और ये हैं आपके नॉर्मल पेरेंट्स हैं लेकिन ये होमोजाइगस हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये हैं पेरेंट्स और ये हैं आपके होमोजाइगस। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके जो गैमेट्स बनेंगे वो आपके गैमेट्स कैसे बनेंगे, ए ए ए ए। ठीक है, और जो एफ वन प्रोजनी आएगी आपकी वो सब कैसी होगी, वो सब होगी आपकी नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिसीज्ड नहीं होगा, नो डिसीज्ड चाइल्ड। अगर दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस हुए फॉर डोमिनेंट एलील। ठीक है, समझ में आया इस ये। तो इसमें देखो मान लो ये फादर था आपका और ये थी मदर। ठीक है, तो बना लो यहाँ पे फादर मदर और इनके चार ऑफस्प्रिंग थे। ठीक है, मान लो एक सन एक डॉटर, एक सन एक डॉटर, चारों नॉर्मल थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डिसीज्ड नहीं था, है ना। लेकिन अगर मान लो कि पेरेंट्स नॉर्मल हैं, नॉर्मल पेरेंट्स बट हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा, तब देख लेते हैं जल्दी से। पेरेंट्स हैं नॉर्मल बट हैं हेटरोजाइगस, तो इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो इस तरीके के बनेंगे कुछ, दोनों ही पेरेंट्स के। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए इस ए को इसके साथ क्रॉस मैच कराइए, तो ये ऐसा बनेगा, इसको इसके साथ कराइए तो ऐसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला ए इस वाले ए के साथ, सॉरी, ये वाला ए इस ए के साथ और ये दोनों ए ऐसे। तो जब दोनों पेरेंट्स हेटरोजाइगस होंगे तो आपका चांसेस हैं कि पेरेंट्स तो अनअफेक्टेड रहें, पेरेंट्स तो अनअफेक्टेड रहें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड है वो आपका डिसीज्ड
हो गया इस कंडीशन में, जब पेरेंट्स नॉर्मल हो लेकिन हेटरोजाइगस हो, ठीक है। तो इसका जो आपका बनेगा पेडिग्री वो देखो इस तरीके का बनेगा, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं लेकिन इसके चार जो ऑफस्प्रिंग हुए, मान लो एक सन डॉटर, एक सन और डॉटर, तो डॉटर को डिसीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का आपको पेडिग्री मिल सकता है, तो वहां पर कैसा होगा आपका ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद जल्दी से थर्ड समझ लेते हैं, थर्ड थर्ड एग्जांपल और समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिसीज पे चलेंगे। तो एक अगर एक एक इसमें से एक मैं आपको ज़्यादा फोकस करके समझा रहा हूँ, बाकी के आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे अपने आप, है ना, क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो कि पेरेंट्स जो हैं फिर से नॉर्मल है, मान लो नॉर्मल पेरेंट्स, राइट। बट यहाँ पर क्या है कि वन इज होमोजाइगस, लाइक ए नॉर्मल है, होमोजाइगस नॉर्मल है मतलब होमोजाइगस है तो डोमिनेंट वाला होगा, अगर यहाँ दोनों रिसेसिव होते तो वो होमोजाइगस का लेकिन अफेक्टेड होता, ठीक है। और वन कैसा है, वन पेरेंट इज हेटरो जाएगा लेकिन बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल, तो वो ऐसा होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा देख लेते हैं, इन दोनों का क्रॉस कराओ आप, ठीक, इनके गैमेट्स बनेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेंगे गैमेट्स, राइट, है ना। तो देखो ए ए ए ए यहाँ पर, फिर इसके साथ ये ए, ठीक है, और ये ए और ए। तो यहाँ पर देखो आप कि कोई भी आपका डिसीज्ड नहीं है, तो अगर एक पेरेंट आपका होमोजाइगस है नॉर्मल है लेकिन दूसरा हेटरोजाइगस है, तब भी आपका कोई भी प्रोजनी, कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं होगा, डिसीज नहीं होगा। तो दोनों पेरेंट्स का हेटरोजाइगस होना ज़रूरी है, तभी किसी भी चाइल्ड को ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, या तो कोई एक पेरेंट आपका अफेक्टेड हो, ठीक है। तो वो इसका इसका कैसे, इसका भी सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। लास्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट केस में क्या है कि वन पेरेंट इज नॉर्मल, ठीक है ना, और मान लो वो हेटरोजाइगस है, बट हेटरोजाइगस, और वन पेरेंट इज अफेक्टेड, ठीक, ऐसा तो कैसा होगा। पेरेंट का आप बना लीजिए, ठीक है, इनके गैमेट्स आपको कुछ इस तरीके से बनाने होंगे, राइट। अब इनका क्रॉस कराइए, इस ए के साथ ये ए ए, फिर इसके साथ ये ए ए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्रॉस कराइए, दूसरे वाले इसके साथ ये ए और ए, और फिर ए और ए। तो देखो यहाँ पर कि आपके 50% अफेक्टेड है, जब एक पेरेंट आपका अफेक्टेड है, ठीक है। तो या तो दोनों पेरेंट बोथ शुड हेटरोजाइगस, ठीक है, या वन शुड बी अफेक्टेड, ठीक है, तब जाके आपके चाइल्ड को डिसीज होने के चांसेस हैं। बाकी अब आप इसको समझ गए होंगे, अब कैसा भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जाते जाते अब नेक्स्ट पे जाने से पहले इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन सा डिसीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो ये कुछ डिसीज के नाम आपको याद रखने हैं, एक तो आपका होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक। दूसरा होता है आपका एल्बिनिज्म, ओके, फिर आपका होता है एक एनीमिया, राइट, फिर आपका होता है एक फिनाइल
कीटोन्यूरिया, उसके बाद जीरोडर्मा पिगमेंटेशन, ये सब डिसीज़ के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है टाइसैक डिसीज़, ठीक है, और लास्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। और भी डिसीजेस होते हैं लेकिन ये मेन डिसीज़ हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको इसके नाम बता रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे जल्दी से ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में, और हम अब उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको अब एक कंसेप्ट समझ में आ गया है, फिर भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर बताऊँगा। दूसरा है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशंस देख लेते हैं। तो अगर आपका कैपिटल ए कैपिटल ए है तो देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डोमिनेंट की। तो यहाँ पर तो दोनों ही एलील्स डोमिनेंट हैं तो इसको डिसीज्ड होना ही है किसी भी कीमत पे, बचा ही नहीं सकता इसको कोई, ठीक है, डिसीज्ड। अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हुआ तब भी ये डिसीज्ड होगा ही होगा क्योंकि एक डोमिनेंट ही काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों रिसेसिव हो गए तो ये होगा आपका नॉर्मल, ठीक है। तो इस केस में आपका ये दोनों को ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन अगर आ गई और डिसीज्ड है तो वो आपका कैरेक्टर कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। बस आपको नाम से याद रखना है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो अगर डोमिनेंट होगा तो आपका एक भी अगर एलील डोमिनेंट हुआ प्रेजेंट तो वो इंडिविजुअल डिसीज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो जो इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इट शुड नॉट है ना, कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहिए, शुड नॉट स्किप द जनरेशन। जनरेशन ये जनरली स्किप नहीं करता, हर जनरेशन में अगर आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो वो हर जनरेशन में आपका ट्रांसमिट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मेल एंड फीमेल, है ना, ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये सेक्स लिंक तो है नहीं, ऑटोसोमल है, तो जितना चांसेस इसको मेल में होने के हैं उतना ही फीमेल में होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसमिट भी, इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय बोथ द सेक्सेस, मेल से भी ट्रांसमिट हो सकता है और फीमेल से भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में। अब मैं आपको इसके कुछ क्रॉस बनाकर दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से कि अगर पहला पॉइंट देखिए, पहला क्रॉस हम बनाएंगे कि अगर एक अफेक्टेड पर्सन और अनअफेक्टेड पर्सन दोनों की मेटिंग हो जाए, मतलब कि मान लो कि दो पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स में एक है आपका अफेक्टेड, ठीक है, और दूसरा है आपका अनअफेक्टेड, ठीक। तो इसमें अफेक्टेड की कंडीशन क्या क्या होगी, या तो वो ऐसा होगा या तो वो ऐसा होगा, और अनअफेक्टेड वो ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि अगर अफेक्टेड में वो होमोजाइगस हो, ठीक है, तो कैसा कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके पेरेंट्स, ठीक। उसके बाद इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे, ए ए ए और ए, और एफ वन प्रोजनी कैसी होगी, ए ए ए ए, सब हेटरोजाइगस होगी। तो अब यहाँ पर देखो आपको कि आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि आपको कैसा कंडीशन मिलेगा कि इसमें सारे के सारे ऑल आर डिसीज्ड,
सब में आपका डोमिनेंट ए प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है ना। तो डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट का तो कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि अगर एक डोमिनेंट एलील भी प्रेजेंट है तो वो इंडिविजुअल डिसीज्ड होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सारे के सारे, अगर जो आपका अफेक्टेड है पेरेंट, वन ऑफ द अफेक्टेड पेरेंट इज होमोजाइगस, तो सारे के सारे आपके ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, डिसीज्ड होंगे। ठीक है, अगर कंडीशन आपकी थोड़ी अलग हुई, जैसे कि मान लो कि एक पेरेंट आपका अफेक्टेड है लेकिन हेटरोजाइगस है इनटू ये, तो देखो इसकी एलील, इसके गैमेट्स इस तरीके के होंगे और इसके इस तरीके के, तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ए ए इसके साथ करा दिया, अब इसका और इसका होगा, फिर ए ए अब इसका और इसका होगा, तो ए और ए फिर इसका और इसका होगा, तो ए और ए। तो यहाँ पर देखो ये तो हो गए आपके नॉर्मल, ठीक है, लेकिन ये जो है वो डिसीज्ड हो गए। तो अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है, अफेक्टेड बट हेटरोजाइगस, तो 50% आपके, 50% जो आपके ऑफस्प्रिंग होंगे वो डिसीज्ड होंगे। ठीक है ना, तो समझ में आया। तो ये आपका हो गया ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो अगर इसकी पीडिग्री हम देखें तो किस तरीके की पीडिग्री दिखेगी, तो देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखो इस केस में, आपका यहाँ पर जो अफेक्टेड, मान लो ये फादर थे, अफेक्टेड फादर, ठीक, और ये थी नॉर्मल मदर, इनके चार ऑफस्प्रिंग हुए थे आपको पता है, ठीक है, चार ऑफस्प्रिंग हुए थे और चारों के चारों आपके अफेक्टेड थे। समझ में आ रहा है, चारों के चारों अफेक्टेड है ना। और इस केस में कैसा था वो केस, इस केस में देखो यहाँ पर कि आपका जो फादर था, यहाँ पर इस केस में जो फादर था वो अफेक्टेड था बट हेटरोजाइगस था, और मदर जो थी वो नॉर्मल थी, इसीलिए यहाँ पर जो आपके ऑफस्प्रिंग मिले वो हाफ ऑफस्प्रिंग जो आपके थे, 50% वो थे अफेक्टेड। ठीक है, तो वो पेडिग्री कुछ इस तरीके की आपकी दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखो इस जनरेशन में भी है और इस जनरेशन में भी है, तो इट शुड नॉट स्किप द जनरेशन, है ना, एंड इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मेल्स एंड फीमेल्स, राइट, है ना। तो ये हो गया आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसमें भी सबसे पहले यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वो है आपका सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसमें सबसे पहला जो है वो है एक्स लिंक्ड, ठीक है, ठीक है, एक्स लिंक्ड। तो यहाँ पर एक्स लिंक्ड आपका रिसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे कंडीशन की अगर हम बात करें, तो दोनों में देखेंगे, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोजोम से, है ना। तो यहाँ पर जो फीमेल की जो कंडीशन होगी वो देखो कि अगर फीमेल में क्या कंडीशन होगी, एक्स एक्स तीन कंडीशन आपको फीमेल में दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, या तो अगर ये वाली कंडीशन हुई फर्स्ट वाली, तो ये होगी आपकी नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल, लेकिन यहाँ पर अगर एक एक्स के ऊपर देखो रेट है डिसीज का, एक्स लिंक डिसीज का, सिर्फ एक के ऊपर, तो इस टाइप की जो फीमेल्स होती हैं वो होती तो नॉर्मल हैं बट वो होती हैं कैरियर, ठीक है, मतलब वो डिसीज कैरी कर रही हैं लेकिन उनको खुद को डिसीज नहीं है, ठीक। तीसरा जो है जीनोटाइप वो आपका इस तरीके का हो सकता है कि दोनों ही एक्स पर आपके ट्रेट हों, ठीक है, तो वो आपकी जो फीमेल होगी वो होगी अफेक्टेड फीमेल, या बोल सकते हो डिसीज्ड फीमेल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका
फीमेल का। अब मेल की बात कर लेते हैं, तो अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पर मेल में आपको दो कॉम्बिनेशन दिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला जो कॉम्बिनेशन है XY, अगर किसी भी क्रोमोसोम पे कोई भी ट्रेट नहीं है तो ये होगा आपका नॉर्मल मेल। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्स लिंक की, तो वाई से कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो अगर एक्स पे वो ट्रेट दिखा तो ये जो मेल है वो आपका डिसीज्ड होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, राइट। इसकी जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पहला फीचर है वो क्या है कि मोस्टली मेल्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, पहला फीचर। दूसरा फीचर जो ये है वो ये है आपका कि जो अफेक्टेड फीमेल्स होती हैं, अफेक्टेड फीमेल्स होती हैं जो कम फ्रॉम, अफेक्टेड फीमेल्स कम फ्रॉम या तो अफेक्टेड फादर से आएंगी, ठीक है, या अफेक्टेड और कैरियर मदर। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर इसमें मोस्टली जो होते हैं वो मेल्स अफेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर फीमेल्स अफेक्टेड हैं, अगर डॉटर अफेक्टेड है, तो उनके जो पेरेंट्स होंगे ना उसमें फादर तो अफेक्टेड होगा ही, समझ रहे हो, फादर तो अफेक्टेड होगा ही अगर फीमेल अफेक्टेड हो रही है। मतलब डॉटर अगर अफेक्टेड है तो फादर तो अफेक्टेड होगा ही 100%, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो अफेक्टेड फीमेल है उसमें दो एक्स होते हैं, एक एक्स कहाँ से आता है भाई, एक एक्स आता है आपका फादर से। तो अफेक्टेड फीमेल कब होगी, जब दोनों ही एक्स पे आपके ट्रेट होंगे। तो एक एक्स आ रहा है आपका फादर से, है ना। यहाँ पर हमने मदर लिख दिया है, सॉरी, तो इसको फादर करना होगा। यहाँ पर मदर नहीं आएगा, यहाँ पे फादर आएगा, ठीक है, अफेक्टेड अफेक्टेड फादर। तो इस केस में आपका फादर तो अफेक्टेड होगा ही अगर फीमेल्स अफेक्टेड हैं, और मदर जो होंगी वो या तो अफेक्टेड हो सकती हैं या कैरियर हो सकती है। तो मतलब ये वाला भी सीन केस हो सकता है और ये वाला भी केस हो सकता है मदर के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम डिस्कस भी करेंगे इसको क्रॉस बनाकर एक दो एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो ये है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अफेक्टेड मेल्स, अफेक्टेड मेल्स मे हैव नॉर्मल बट कैरियर मदर, ठीक है। नॉर्मल मदर हो सकती है अफेक्टेड, अगर मेल अगर अफेक्टेड है तो उसकी जो मदर है वो या तो कैरियर होगी, ठीक है, या होगी आपकी अफेक्टेड, ठीक। ऐसा क्यों? देखो जो मेल है उसका ये वाला जीनोटाइप होता है, ठीक है, और उसके एक्स पे आपका ट्रेट होगा, अफेक्टेड मेल की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ये जो एक्स है इसका मेल का वो कहाँ से आएगा, या तो आपका आएगा इस मदर से जो कि कैरियर होगी, या आएगा आपका इस मदर से जो कि अफेक्टेड होगी, है ना। इसलिए बोल रहे हैं अफेक्टेड मेल्स मे हैव नॉर्मल कैरियर मदर और अफेक्टेड मदर, ठीक है, समझ में आया, है ना। और यहाँ पर जो लास्ट इसका जो पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि ये रिसेसिव है तो इट कैन स्किप जनरेशन, ठीक
है राइट। तो अब इसके हम दो तीन एग्जाम्पल जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है कि आप पेरेंट्स हैं आपके, ठीक है, पेरेंट्स में जो फीमेल है वो नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल, ठीक है, क्रॉस किया अफेक्टेड मेल के साथ, ठीक है। तो देखो नॉर्मल फीमेल कैसे होंगी, वो होंगी एक्स एक्स, ठीक है, और जो अफेक्टेड है मेल वो है एक्स वाई, और इसके ऊपर ट्रेट है एक्स के ऊपर, ठीक। गैमेट्स जो बनेंगे वो बनेंगे एक्स 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 और वाई, ठीक है। उसके बाद जो F1 प्रोजनी होगी वो कैसी होगी, इस एक्स के साथ ये वाला एक्स ऐसे, फिर इस एक्स के साथ ये वाला वाई, ठीक है, इस तरीके से, फिर इस एक्स के साथ ये वाला एक्स, और फिर इसी एक्स के साथ ये वाई। तो देखो यहाँ पर कि अगर फीमेल नॉर्मल है और मेल अफेक्टेड है तो कभी भी आपका जो F1 प्रोजनी आएगी उसमें मेल, कोई भी मेल अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी, कैरियर डॉटर बट नॉर्मल, ये भी सेम है, दोनों के दोनों नॉर्मल हैं बट कैरियर हैं, और ये दोनों नॉर्मल हैं, नॉर्मल सन, ठीक है, नॉर्मल सन है ना, तो ये कंडीशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा जो एग्जांपल है वो आपका वो ये है कि देखो, और इसका भी हम मैं आपको बना पीडिग्री भी बना के दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ तो इसकी पीडिग्री बना के अगर हम देखें, चलिए दूसरे वाले एग्जांपल में आपको पीडिग्री बनाकर दिखाता हूँ। जो दूसरा एग्जांपल है वो ये कैसा है कि फीमेल जो है, फीमेल जो है वो नॉर्मल है बट कैरियर है, ठीक है, और क्रॉस कराया उसका नॉर्मल मेल के साथ, ठीक। तो देखो पेरेंट्स, पेरेंट्स में आपको पता है फीमेल है नॉर्मल और कैरियर है, तो वो ऐसा बनाएंगे उसका जीनोटाइप, और जो मेल है वो है नॉर्मल, ठीक है। गैमेट्स उसके बनाए हमने कैसे बनेंगे, इस तरीके के, और नॉर्मल मेल के बनेंगे कुछ इस तरीके के, ठीक है। तो जो F1 प्रोजनी आएगी वो कैसी आएगी, देखो इस एक्स का कराया हमने इस एक्स के साथ तो वो आया ये, फिर सेम इस एक्स का कराया इस वाई के साथ तो आया ऐसा, ठीक है, फिर सेकंड वाले एक्स का कराया इसके फर्स्ट एक्स के साथ तो ये ऐसा, फिर इस एक्स का इस वाई के साथ तो वो आया कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर देखो आप कि आपका फीमेल यहाँ पर कैसी थी, कैरियर और नॉर्मल थी, इसको डिसीज नहीं था बट ये कैरियर थी, लेकिन मेल था नॉर्मल, तो इसका फादर नॉर्मल था, उसके बावजूद यहाँ पर सन कैसा हो गया, अफेक्टेड, ठीक है, और मदर डॉटर जो है वो कैरियर, ये कैरियर है लेकिन ये डिसीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कभी भी फादर टू सन ये डिसीज ट्रांसमिट नहीं होती, याद रखना इस बात को, डिसीज कैसे ट्रांसमिट होती है, मदर टू सन, इस केस में हमेशा ऐसा ही होता है, मदर टू सन होती है, क्योंकि सन में जो एक्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मदर से, और एक्स लिंक डिसीज ही है ये, जो कि कभी भी फादर से नहीं आ सकती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर फादर डिसीज ट्रांसमिट नहीं करता, मदर करती है, ठीक है, सन में, ठीक है। रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जब फादर भी रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीज ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, उस केस में क्यों, और जब फादर के थ्रू किसको ट्रांसफर होगा, डॉटर को, क्योंकि फादर क्या करता है अपना एक्स क्रोमोजोम देता है डॉटर को, और अगर इस एक्स क्रोमोजोम पे आपका ट्रेट हुआ, अगर ये एक्स क्रोमोजोम आपके डॉटर में गया, इस फादर के डॉटर में गया, तो क्या होगा, वो डॉटर कैसी हो जाएगी,
अफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। बट ये जो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, इसमें मोस्टली जो होते हैं वो मेल्स अफेक्टेड होते हैं, और किसके थ्रू? मदर के थ्रू। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये बात जो नेक्स्ट है डिस्कस करेंगे हम, वो है आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। जो फोर्थ है वो है आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन देखो आप, फीमेल की कंडीशन हम सबसे पहले देखेंगे। तो वो आपका या तो वो नॉर्मल होंगी, ठीक है, ठीक है। देखो तो अगर ऐसा जीनोटाइप हुआ तो फीमेल्स कैसी होंगी? नॉर्मल, ठीक है। अगर ऐसा जीनोटाइप हुआ, एक एक्स के पास हुआ, ठीक है, तो एक एक्स ही काफ़ी है आपका डिसीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रेट कैसा है? डोमिनेंट। तो ये फीमेल कैसी हो जाएगी? डिसीज्ड। लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले में ये जो फीमेल थी वो कैसी थी? कैरियर थी, डिसीज नहीं थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और तीसरा केस होगा ऐसा, तो ये तो डिसीज्ड होगी ही होगी, राइट, है ना। और अगर हम बात करें मेल की, तो अगर हम मेल की बात करें तो उसमें तो दो ही केस बनते हैं, है ना। और मेल जो होते हैं ना, वो चाहे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो चाहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, बेचारे दोनों में ही पिसते हैं, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो नॉर्मल और ये डिसीज, तो मेल रिसेसिव वाले में भी अफेक्टेड हो रहे थे और डोमिनेंट वाले में। क्यों? क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स होता है, और एक एक्स पे भी अगर वो ट्रेट है तो वो अफेक्टेड है, वो डिसीज है। तो ये था आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, एक इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि विटामिन डी रेजिस्टेंट राइकेट्स, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया नहीं था, वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ मैं आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का तो आप नोट कर सकते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जाम्पल हैं आपके, एक तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए एंड बी। दूसरा एग्जाम्पल है आपका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका फैब्री डिसीज, ठीक है। फोर्थ जो आपका है वो है हंटर डिसीज। ये सब आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। लेकिन आपको यहाँ पर मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट का भी बता देता हूँ, क्योंकि उसका भी मैंने शायद आपको नहीं बताया था, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके हंटिंगटन कोरिया डिसीज, ठीक है। दूसरा है आपका रैकी डैक्टिली। थर्ड जो है वो है आपका मॉर्फन सिंड्रोम, ठीक है। अब आपका लास्ट बचा है वाई लिंक्ड सिंड्रोम, तो वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, वाई लिंक्ड सिंड्रोम।
वाई लिंक्ड सिंड्रोम। इसमें कुछ नहीं, इसमें हमेशा कैसे, ऑलवेज मेल्स आर अफेक्टेड, बस। और इसमें कुछ याद नहीं रखना है। तो मान लो अगर इस तरीके का कुछ आपका पेडिग्री बनेगा, ठीक है, तो आपका हमेशा कैसे मेल्स ही अफेक्टेड होंगे, मेल्स अफेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि तो वाई क्रोमोसोम पे ही डिफेक्ट है, ठीक है। हमेशा हर जनरेशन में आपके मेल ही अफेक्टेड होंगे। तो आप समझ जाना कि वो कैसा है, वाई लिंक्ड सिंड्रोम, ठीक है। तो ये था आपका पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, ठीक है। अब जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्या है कि द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट शोज इनहेरिटेंस ऑफ ए गिवन ट्रेट, द ट्रेट कैन बी कॉल्ड एज। तो बस आपको इस पेडिग्री को देखकर आपको ट्रेट का नाम बताना है, ठीक है। तो हम एक एक ट्रेट को देखेंगे और पेडिग्री से मैच करने की कोशिश करेंगे कि किससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि ये है आपका फर्स्ट जनरेशन, है ना, और ये है आपकी सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप कि ये जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट वन और पेरेंट टू, इनकी ऑफस्प्रिंग कौन कौन सी हैं, ये और ये जो है ये बाहर का कोई मेंबर है जिसकी इसके साथ मान लो मैरिज हुई है, ठीक है। तो ये इस कपल में, इस वाले कपल में ये जो है वो आउट आउटसाइड का मेंबर है, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको और इसको ही इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि इस फर्स्ट जनरेशन में तो डिसीज थी, लेकिन सेकंड जनरेशन में डिसीज नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जनरेशन का स्किप हुआ है, ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो, है ना। तो इसका मतलब कि वो डोमिनेंट तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होता मोस्टली, मोस्टली, ठीक है। तो देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट होने के चांसेस नहीं है, ठीक। अब चलते हैं सेकंड पे, सेकंड क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यहाँ पर देखो आप कि फादर को, फादर इज ऑल्सो अफेक्टेड एंड मदर इज ऑल्सो अफेक्टेड, ठीक है, राइट। उसके बावजूद यहाँ पर दोनों में से किसी भी ऑफस्प्रिंग को कोई डिसीज नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक्स लिंक्ड होता तो चांसेस थे कि दोनों में से किसी न किसी एक को डिसीज जरूर होती, अगर सेक्स लिंक डिसीज होती, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो सेक्स लिंक डिसीज भी नहीं है, ठीक है। तो वो जहाँ तक है कन्फर्म है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज ही होगी, ठीक है। और ऑटोसोमल रिसेसिव इसलिए क्योंकि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये क्या करता है, स्किप द जनरेशन, जनरेशन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जनरेशन स्किप भी हो रही है, ठीक है, जनरेशन स्किप हो रही है ना। तो ऑटोसोमल रिसेसिव होने के चांसेस हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं हो सकता, बता दिया आपको क्यों, क्योंकि अगर डोमिनेंट होता तो अगर एक एक्स पे भी अगर आपका ट्रेट होता, समझ रहे हो इस चीज़ को, दोनों एक्स में से अगर मान लो ये फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल के अगर एक एक्स पे भी ये ट्रेट होता तो ये फीमेल होती आपकी अफेक्टेड, लेकिन ये तो नॉर्मल है तो एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। और मेल तो पक्का आपका डिसीज होता अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो ये भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। और सेक्स लिमिटेड का मतलब कि किसी एक सेक्स के इंडिविजुअल्स ही हमेशा अफेक्टेड हो, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ फीमेल भी है, ठीक है, और फिर यहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में मेल है तो सेक्स लिमिटेड भी नहीं है, इसलिए आपका कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये आपका इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको मैच करना है कैरेक्टरिस्टिक्स को, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही है, बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिडिग्री ऑफ एन इनहेरिटेबल डिसीज इज शोन बिलो। एक पिडिग्री दिख रहा है आपको,
और इस पेडिग्री से आपको कंपेयर करना है कि कौन सा डिसीज है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए वाला क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर होता तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का आपको कंडीशन याद होगा, अगर हम फीमेल की बात करें, अगर हम फीमेल की बात करें तो वहाँ पर दोनों ही केस, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों ही केस में आपका डिसीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि यहाँ इस मेल को अफेक्टेड दिखा रखा है। ठीक, मान लो कि ये ऐसा होगा जिसका एक्स ये हुआ। ठीक है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट है तो मान लो कि ये मेल अफेक्टेड है और इसके एक्स पे ये ट्रेट है, तो ये एक्स अब जब नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर के पास जाएगा, मान लो इस डॉटर के पास आया, तो इसका एक एक्स ही सफिशियंट था डिसीज करवाने के लिए। लेकिन ये फीमेल कैसी है, नॉर्मल, यहाँ पर ये भी फीमेल नॉर्मल है ना, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना। तो अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो जो फीमेल्स हैं वो पक्का आपकी डिसीज्ड होती, तो आपका जो एक्स लिंक डोमिनेंट है ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ठीक, उसके बाद अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सारे के सारे मेल्स अफेक्टेड हैं, सारे के सारे कैसे हैं, मेल्स अफेक्टेड हैं, तो आपका यहाँ पर आपको एक सी ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये ऑप्शन सी आपको नजर आ रहा होगा, ओनली वाई लिंक्ड, तो ये एक हो सकता है। लेकिन अभी आपको इसको करेक्ट ऑप्शन नहीं समझना, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन बी में भी आपका लिखा हुआ है वाई लिंक्ड, तो या तो आपका बी सही है या तो आपका सी सही है। ठीक है, अब देखो कि एक डिसीज और आपको कंफर्म करनी है कि ये कहीं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज तो नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो अब देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में देखो ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो जो फीमेल्स होती हैं वो कैरियर हो सकती हैं, रिसेसिव की बात कर रहे हैं, कैरियर होगी ये लेकिन नॉर्मल होगी। ठीक है, तो देखो हो सकता है कि ये वाली जो फीमेल है ये नॉर्मल तो दिख रही है लेकिन कैरियर हो सकती है, इस बात को कभी भूलना मत। ठीक, और जो मेल है वो तो अफेक्टेड है, तो इसका होगा कुछ इस तरीके का जीनोटाइप। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको अफेक्टेड मेल, यहाँ तक आपको अभी सही दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, अब देखो फीमेल नॉर्मल है लेकिन मेल अफेक्टेड है, तो अब इसकी जो प्रोजनी आएगी वो कैसी आएगी, इसका एक एक्स देख लो यहाँ से ले लो और यहाँ से एक एक्स ले लो। ठीक है, उसके बाद ये वाला एक्स ले लो और ये वाला वाई ले लो, फिर ये वाला एक्स ले लो और ये वाला एक्स ले लो और ये वाला एक्स ले लो और फिर ये एक्स ले लो और ये वाई ले लो, तो कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशंस आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ देखो आपकी नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल डॉटर भी आ सकती है। ठीक है ना, और इसमें यहाँ पे डिसीज, और ये अफेक्टेड मेल भी आ सकता है, तो देखो अफेक्टेड मेल भी आ रहा है और यहाँ नॉर्मल डॉटर भी आ रही है, तो आपका ये जो डिसीज है वो या तो वाई लिंक्ड भी हो सकता है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन है बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको तीन पेडिग्री दी हुई है, फैमिली वन की, फैमिली टू की और फैमिली थ्री की, और तीनों की फैमिली को आपको अच्छे से समझना है पेडिग्री को और बताना है कि कौन सा डिसीज तीनों में कॉमन है, एक्सलिंग रिसेसिव, एक्सलिंग डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव या ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि फैमिली वन में आप देखो, जब फैमिली वन में देखोगे तो देखो ये इस जनरेशन में तो आपकी डिसीज है नहीं और सेकेंड जनरेशन में डिसीज है, मतलब इसमें तो है नहीं इसमें है। ठीक, ओके, और यहाँ पर भी देखो फैमिली थ्री में, इसमें तो है लेकिन इस वाले जनरेशन में नहीं है, राइट, तो ये हो सकता है कि ये आपका रिसेसिव, पहला चीज। अब ये या तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक, तो देखो आपके पास अब दो ऑप्शन बचे हैं,
रिसेसिव वाले, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या ऑटोसोमल रिसेसिव, ये दोनों ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अब देखो कि इन दोनों में से कंपेयर करो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स लिंक डोमिनेंट को भी क्रॉस करवा देते हैं। समझा देता हूँ मैं आपको कि अगर आपका यहाँ पर एक्स लिंक डोमिनेंट इसलिए हमने क्रॉस किया है क्योंकि देखो ये मेल अफेक्टेड है, मेल मतलब ऐसा होगा अगर मान लो डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये एक्स कहाँ से आया होगा आपका, ये एक्स आया होगा इस वाली फीमेल से, है ना। तो एक्स लिंक्ड अगर डोमिनेंट होता तो ये वाली फीमेल भी आपकी अफेक्टेड होती, लेकिन ये नॉर्मल है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो आपका ये है ही नहीं। ठीक है, राइट। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जनरेशन का स्किप दिखाया जा रहा है, राइट। और ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिसेसिव की, क्योंकि रिसेसिव होने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले देखो ए में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये है या नहीं। तो देखो आपको पता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली आपके मैंस अफेक्टेड होते हैं, मोस्टली मैन अफेक्टेड, मेल्स अफेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे देखो आप कि आपका आपको यहाँ पे मेल भी अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, फीमेल भी अफेक्टेड दिखाई दे रही है ना, फीमेल भी अफेक्टेड दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ पे देखो फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है, तो नेक्स्ट में आपका मेल तो अफेक्टेड होना ही था लेकिन अफेक्टेड नहीं है, तो आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी ये नहीं है, तो बचा ऑटोसोमल रिसेसिव, बस यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 30। पिडिग्री ऑफ एन इनहेरिटेबल डिसीज इज शोन बिलो, और फिर आपको डिसीज का नाम बताना है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं मैंने, या तो CSIR से या गेट से, राइट। तो देखिए क्वेश्चन आपको देख नज़र आ रहा होगा और फिर आपको डिसीज का नाम बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ देखो आपको लिखा हुआ है कि ये सिंबल्स भी दिए हुए हैं कि ये कैरियर फीमेल है और ये कैरियर फीमेल है और ये कैरियर मेल है। ठीक है, तो देखो जब भी आपका कैरियर का ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हो तो 90% चांसेस है कि वो आपका एक्स लिंक डिसीज होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो कि एक्स लिंक्ड या तो डोमिनेंट एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन है आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो इन दोनों में से आपका क्या करेक्ट है वो आपको पहचानना है। तो देखो यहाँ पर कि जो एक्स लिंक डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट के कंडीशन क्या थी याद करने की कोशिश करो, ये और ये दोनों में से कोई भी कंडीशन होती तो डिसीज हो जाता और इसमें कोई भी कैरियर नहीं होता, नो कैरियर इन ऑटोसोमल सॉरी इन सेक्स एक्स लिंक डोमिनेंट, नो कैरियर, देर इज नो कैरियर, इधर द पर्सन विल बी डिसीज्ड इधर और द पर्सन विल बी नॉर्मल। ठीक है, बट यहाँ पे कैरियर भी है। ठीक है, देखो कैरियर कैरियर इधर भी कैरियर, ठीक, और कैरियर से आपका किस में ट्रांसमिट हो रहा है, सन में, है ना। फिर आपकी मदर कैरियर है, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में आपका सन अफेक्टेड हो, तो ऐसा सिनेरियो सिर्फ आपका मिलता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे जब आप देखोगे। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ पर आपको बताना है इस पेडिग्री चार्ट को देखकर कि किस टाइप का डिसीज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर देखो फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है, फिर फीमेल अफेक्टेड है, इधर भी फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है, उसके बाद फीमेल से देखो ध्यान से, फीमेल अगर अफेक्टेड है तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, देख रहे हो यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड थी तो सारी के सारी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड थी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, है ना। 2, 3, 4 पे देखो फोकस करो, ये जो 1 है वो तो आउटसाइड मेंबर है, ये 5 भी आउटसाइड मेंबर है, बट ये तीनों कैसे हैं, 2, 3 और 4
ये मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, है ना, और ये तीनों के तीनों ही ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हैं जब आपकी ये फीमेल अफेक्टेड थी, राइट। यहाँ पर भी आप देखो, अभी इस केस में ये मेल अफेक्टेड था, लेकिन जब इसकी शादी मान लो किसी ऐसी फीमेल से हुई जो बाहर से आई थी और ये नॉर्मल थी, तो कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं हुआ। लेकिन वही चीज़ अगर आप इधर देखोगे तो ये वाली फीमेल अफेक्टेड है, और बाहर से कोई मेल आया जो कि हेल्दी था, नॉर्मल था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि यहाँ पर मदर इन्फेक्टेड अफेक्टेड थी, सारी की सारी प्रोजनी अफेक्टेड हो गई। वही सेम नीचे भी ट्रांसमिट हो रहा है, इधर मदर अफेक्टेड थी तो इधर भी सब के सब अफेक्टेड हो गए। तो इस टाइप का अगर इनहेरिटेंस आपको दिख रहा है तो वो होता है आपका, बोलते हो आपको उसको मैटरनल इनहेरिटेंस, समझ रहे हो। और आपने पढ़ा होगा मैटरनल इनहेरिटेंस ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से वो इनहेरिटेंस ट्रांसमिट होता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी जो है, देखो यहाँ पर ये ना एक्स लिंक डोमिनेंट है ना एक्स लिंक म्यूटेशन, एक्स लिंक रिसेसिव है, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, मतलब सी तो ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखो आप नीचे पॉसिबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ए एंड डी ये तो हो ही नहीं सकता, सी इसमें नहीं है, यहाँ पर भी सी नहीं है और यहाँ पर भी सी नहीं है, तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन बचा जहाँ पर सी है, तो उसके साथ लेकिन डी भी है, तो डी देख लेते हैं। वेरिएबल एक्सप्रेशन कैन बी ड्यू टू हेट्रोप्लास्टी, ये जो हेट्रोप्लास्टी होता है वो होता है आपका ग्राफ्ट, ग्राफ्ट से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। मतलब अगर अगर कोई स्पीसीज है उसके वन मेंबर से कोई ग्राफ्ट लेकर दूसरे मेंबर में इंसर्ट कर दिया या पुट कर दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोप्लास्टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी है ऑप्शन वो इससे उतना मैच नहीं हो रहा, ठीक है, बट अगर मान लो कि फीमेल से ही ग्राफ्ट लेकर अगर किसी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में पुट किया जा रहा है तो भी ट्रांसमिट ये इनहेरिटेंस हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन हमारा जो फोकस है वो है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, और इसीलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में वो आपका सी है। तो डी वो सोच सकते हो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना, तो ये ऑप्शन ऑप्शन जो आपका बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन क्या है, सी एंड डी। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पीडिग्री एनालिसिस से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये वीडियो मैंने रिक्वेस्ट पे बनाई थी क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से पेडिग्री एनालिसिस का, और जेनेटिक्स से ही एक और टॉपिक है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, वो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम से पहले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।